आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा था फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, आज उसी का एक्सटेंशन करेंगे। बट उससे पहले क्वेश्चन 53 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 53 में थोड़ा चेंज कराया मैंने, ऐड कराया है, प्रिपेयर करना कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या है क्वेश्चन? ए बी एंड सी वर पार्टीज इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50,000, 50,000 and 1 lakh। कैपिटल 50,000, 1 lakh की है। Their current account balances were 10,000, 5,000 and C का 2,000 debit। उनके current account के balance दे रखे हैं। ये क्या हो गया बेटा? इसे बोलते हैं debit balance। आगे, according to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at 10% per annum। Partnership deed कह रही है partners को interest on capital मिलेगा। C being the working partner was also entitled to a salary of 12,000 per annum। C को 12,000 की सैलरी मिलेगी। The profits were to be distributed as, profit को इस प्रकार से बांटना है। First 20,000 in proportion to their capitals, पहले 20,000 को capital ratio में, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, next 30,000 को 5:3:2 में, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, बाकी बचे को इक्वली बांट दो। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। फर्म ने अर्न करा 1,72,000 का प्रॉफिट। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। आइए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, जिसके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। पीएनएल एप्रोप्रिएशन सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट कितने का था? 1,72,000 और फिर आईओसी दे दो 5, 5, 10 की, तो 1,72,000 यहां आ गया। क्या दे दो बेटा? आईओसी ए बी सी को 5,000, 5,000 और 10,000, यानी हो गया 20,000। और क्या है? सी बिंग द वर्किंग पार्टनर, सी की सैलरी है 12,000 की, सी की सैलरी 12,000। फिर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अक्सर यहां मिस्टेक होती है बेटा, नोटिस करो, करंट अकाउंट के बैलेंसेस है। करंट अकाउंट बैलेंसेस मतलब कैपिटल हो गई फिक्स। तो प्रॉफिट जाएगा ए बी सी, कितने का प्रॉफिट आएगा? आइए निकालते, 1,72,000 में से 20 गए तो मेरे हो गए ये 1,52,000, 1,52,000 यानी 1,40,000, 1,40,000। अब प्रॉफिट बांटना कैसे ये समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। देखो यहां मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं इसका, 1,72,000 में से पहले 20,000 को हम कैपिटल के प्रोपोर्शन, कैपिटल कितना है 50-50, 1 lakh, यानी 50:50:1 lakh कितना हो जाएगा 1:1:2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:2 में। फिर नेक्स्ट 30,000 को इन 5:3:2, ये 5:3:2 में। अब जो बाकी बच गया, कितना बच गया बेटा? सॉरी, ये 1,72,000 नहीं, 1,40,000 था, 1,40,000 था ये हमारा जो प्रॉफिट बांटना था। तो कितना बच गया?
140 में से 50 क्या, दैट इज 90, 90 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी 1:1:1 में. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए का निकाल लो 20,000 का 1/4 दैट इज 5,000 शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी का भी 5,000 आ जाएगा और सी का आ जाएगा 10,000 राइट. अब इससे निकालिए ए का कितना आएगा, 30,000 का 5/10 दैट इज 15,000, बी का 9,000, सी का 6,000. यहाँ निकालो ए का 30,000, बी का 30,000, सी का 30,000 राइट. तो फाइनली ए बी सी का प्रॉफिट कितना हुआ, आइए ए का प्रॉफिट हमारा आ जाएगा ये 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 दैट इज ये आ गया 50,000. आगे निकालते 5, 9 और 30, तो इसका हो गया 5, 9, 40 और 44, इसका आ जाएगा 44,000, 10, 16 ये आ गया 46,000. तो इसका 44,000, 46,000 ये तो हो गया इसका P&L appropriation. अब क्वेश्चन में एक चीज और भी बोली है मैंने, क्या पार्टनर्स कैपिटल और करंट, जर्नल एंट्री भी मांगी है बट जर्नल एंट्री सिखाऊंगा पहले. कैपिटल और करंट अकाउंट का मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत पक्का करना है. तो आइए अब इसका कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट. हाँ जी, सबसे पहले बैलेंसेस फिल करते हैं, कितना कितना बैलेंस है. कैपिटल है 50, 50 और 1 लाख की, तो 50,000, 50,000 1 लाख और करंट अकाउंट का बैलेंस है 10, 5 और 2 डेबिट में. तो अब इसको फिल करते हैं. कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी कितना था, 50,000, 50,000 और 1 लाख राइट. करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी कितना है, 10,000, 5,000 और सी का लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस. डेबिट मतलब टू बैलेंस बीडी. याद हो मैंने पॉइंट बताया था, ये सारे हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं और अगर डेबिट में बीडी आया तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं. तो कितना आ जाएगा ये मेरा 2,000. अब क्या कॉन्सेप्ट था, सिर्फ दो आइटम्स आपके कैपिटल अकाउंट में आती है. द फर्स्ट वन इज एडिशनल कैपिटल, अनदर वन इज कैपिटल विड्रॉन. इसके अलावा बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपकी करंट में आएगी. तो देखो क्या क्या है, आईओसी सी की सैलरी और प्रॉफिट. आईओसी 5, 5, 10 सैलरी 12 बाय आईओसी 5,000, 5,000, 10,000 बाय सैलरी 12,000 और क्या था प्रॉफिट. तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस चीज का, ये प्रॉफिट का कितना कितना था, 50,000 था, 44,000 था, 46,000 था राइट. और कोई ड्रॉइंग्स वगैरह नहीं है,
तो सीधा सा हम क्या कर देंगे, दस पाँच पंद्रह और ये आ गया 65, पाँच पाँच दस 54, दस बारह 22, 22 और 46 68, निकाल दो 65, 54, 68, तो बैलेंस सीडी कितना बेटा 65,000, फिर 54,000 और कितना बच गया 68 में से 2 गए 66,000, राइट। अच्छा जी, और कोई ट्रांजेक्शन कैपिटल की है ही नहीं, तो सीधा आ जाएगा इधर टू बैलेंस सीडी 50,000 1 lakh। अब क्योंकि यहाँ सिंगल ट्रांजेक्शन है तो डबल लाइन, इसका मतलब यहाँ 1-1 ट्रांजेक्शन दोनों साइड है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया मेरा 53, बट अभी इसमें एक पॉइंट बाकी, वो है जनरल एंट्री। मैं पहले जनरल एंट्री आपको सिखाऊंगा, दो तरीके होते हैं हमारे पास जनरल एंट्री बनाने के। पहला होता है लॉजिकल, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लियर वाले से या LICAE की डेबिट और क्रेडिट के रूल से, पहला वो ऑप्शन है। दूसरा हम अकाउंट के थ्रू बना ले। सो मेरे को ऐसा फील होता है कि आप लोगों को अकाउंट ज्यादा अच्छे से आता है, P&L appropriation और पार्टनर्स कैपिटल, तो उसके थ्रू मैं आज एंट्री सिखाऊंगा। आइए जर्नल एंट्री, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लास 11th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला दूं। बच्चों मान लो मैंने कैश परचेजेस करके कैश पे माल खरीदा, क्या एंट्री डालता हूं कैश परचेजेस की? सिंपल है सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री डालते हम लोग परचेजेस टू कैश अकाउंट। जिसको लॉजिक उसके लिए बता दूं, परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गई कैश एसेट है, एसेट कम हो गई, ओके ये था। हो सकता है आपने दूसरा वाला डेबिट और क्रेडिट के रूल से सीखा हो, ये मॉडर्न अप्रोच है। तो एनीवेज, अब जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, दो अकाउंट बनेंगे, एक परचेज का और एक कैश का, तो ये अकाउंट बनाते हैं परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। बेटा खुद बताओ कैश अकाउंट में परचेजेस किधर की तरफ आएगा, कैश अकाउंट में किधर की तरफ आएगी ट्रांजेक्शन? कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेजेस, ठीक है, और परचेजेस परचेज में डेबिट हुआ है तो आएगा टू कैश, ये हो गया। अब जरा आना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अब मेरे को इस ट्रांजेक्शन की एंट्री बताइए कि जर्नल एंट्री क्या होगी। बैंक है, एंट्री बताओ क्या बनेगी, सोचो। मान लो बैंक है और लिखा हुआ टू सेल्स, इसका मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स आई है, यही है ना, यानी समझो बैंक अकाउंट एक्चुअली डेबिट हुआ। तो एक सिंपल सा इफेक्ट, रट्टा मार तरीका क्या था, क्रिस क्रॉस, कि जो आपका डेबिट में है वो अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आएगा, रट्टा मार था। लॉजिक क्या है, परचेज डेबिट हुई थी इसलिए वहां कैश लिखा गया डेबिट साइड पे। तो अब यहां जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहां जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैसे बनाया भाई, बैंक के डेबिट साइड में तो बैंक अकाउंट डेबिट, आइटम क्या है सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये इसलिए बताया कि अब मैं इसके ऊपर कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो ये जर्नल एंट्रीज करेंगे अब हम, सबसे पहले मेरे को ये बताओ P&L appropriation बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते थे हम,
सबसे पहले हम यहाँ डालते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएनएल अकाउंट से। तो यानी क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो क्या, पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रिएट हुए, राइट, तो आइटम क्या आएगी डेबिट में, पीएनएल अकाउंट की, यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, फिर आईओसी सैलरी कमीशन डेबिट में आते थे, यहां टू आईओसी सैलरी कमीशन, बस एक जगह आते थे ना, ना कैपिटल में भी तो आते थे, कैपिटल या करंट याद है, यहां कहां आते थे, बाय आईओसी सैलरी कमीशन, जो ओपनिंग बैलेंस होता था बाय बैलेंस बीडी, तो एंट्री क्या बनेगी, यहां से एंट्री बनाओ आईओसी हो या सैलरी हो या कमीशन हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट, उसके डेबिट साइड में आ रहा है, तो इसमें दो एंट्रीज बनेगी, बता दूं मैं आपको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी सैलरी कमीशन, पहला पॉइंट। अच्छा, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या, तो कहां गया पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे, राइट, तो अब एंट्री क्या बनेगी, आईओसी या सैलरी या कमीशन डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट, क्योंकि आईओसी सैलरी कमीशन करंट अकाउंट में भी जाती है, अगर फिक्स हो कैपिटल तो ये वहां जाएगी, तो करंट कब यूज करना है वर्ड, जब कैपिटल फिक्स है। एक छोटा सा पॉइंट आप सबके लिए, सीबीएसई 2000 बैक टू बैक में आते, कौन सा होगा हमारा ईयर, ये 23 तो 21, हाँ 21 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 40 मार्क्स वाला, वहां 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान से देखना, आपकी टीएस ग्रेवाल के अंदर इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी दे रखी है, क्या, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं एंट्री क्या बन जाएगी, इसका ऑल्टरनेटिव, इसका ऑल्टरनेटिव बनेगा, अगर मैं इनको जोड़ दूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट, टू पार्टनर्स कैपिटल फ्लैश करंट। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सीबीएसई 2021 के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आया था कि आईओसी की एंट्री कौन सी होती है, ऑप्शन में क्या क्या था बता रहा हूँ, ऑप्शन में आपका एक ये था, कहाँ गया, पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, एक ये वाली एंट्री थी, एक ये वाली थी, वैलिड एक्चुअली दोनों है, बट आपकी जो सीबीएसई है उसने इसको वैलिड माना था, तो ये छोटा सा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से जानना है बेटा, आपकी एनसीईआरटी इस वाली को रेफर करती है, हम भी इसको प्रेफर ही करेंगे। सर अगर मान लो एग्जाम में दोनों एंट्री आ जाए, एमसीक्यू में अगेन आ जाए, तो बेटा इसको प्रेफर करना, सर बट मान लो वहां पे नहीं लिखा, वहां पे तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया, तो बेटा आपकी मर्जी, जो उनसी मर्जी करना, तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, वैसे तो वो वहां पे गलत चीज है जो उन्होंने करी। एनीवेज अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हो गया सैलरी कमीशन, अच्छा जी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पर आता है बाय आईओडी, और यहां पर आएगा आईओडी की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री, अगेन दो जगह, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट में, तो आईओडी डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अच्छा फिर दूसरी जगह कौन सी गया, कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल
और फिक्स हुई तो करंट में जाता है ना, करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी। ओके अच्छा ये आ गया मेरा। और हाँ इसमें एक रिजर्व भी आता है बेटा, उसकी एंट्री वैसे तो पूछता नहीं है रिजर्व वाली, बट फिर भी बताएंगे। तो रिजर्व आने की एंट्री यहाँ कर देते हैं। रिजर्व कहाँ पर आया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में एंट्री कर देगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। और अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचता था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट, और ये यहां पर आता था बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंट्री क्या बनेगी इसकी? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुए यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट। अच्छा इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स एंट्री ऑफ 0.6। अच्छा नेक्स्ट और क्या है, और क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल में बेटा? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट टू ड्रॉइंग्स क्लास। अभी एक एंट्री, एक दो एंट्री और है, बट उससे पहले इधर क्वेश्चन पे वापसी आते जिसके लिए सारा मैंने पिक करा था। क्वेश्चन में डिमांड भी करी थी क्या पास जनरल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री। दो मिनट का खेल है, आओ एंट्री डाल दे इधर ही, जनरल एंट्री में यहाँ डाल रहा हूँ बेटा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा उसकी एंट्री डालनी है, यानी ये वाली एंट्री डालनी है प्रॉफिट को बांटने की। तो क्या होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। फिफ्टी 44 46 50,000 44,000 46,000 140,000 ओके अच्छा वापसी आते हैं, अभी काम नहीं खत्म हुआ। इधर सिर्फ ये आइटम नहीं आती है, अब इधर एक चीज और आती है क्या, अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो एडिशनल कैपिटल किस नाम से आता है? बाय बैंक अकाउंट के नाम से, कुछ याद आया? बाय बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल एंट्री क्या होगी? कैपिटल लाने की एंट्री तो आपको बचपन से याद है, एडिशनल कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लास एक पॉइंट जरा नोटिस करना कि यहां सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगा, यहां करंट नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल लेकर आना यानी एडिशनल कैपिटल, या कैपिटल लेके जाना या कैपिटल विड्रॉन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट से ही होती है, बाकी सारी आइटम आपके करंट में जा सकती है।
और कैपिटल विड्रॉन की एंट्री ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगी। क्या पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, इधर टू बैंक आ जाएगा, यहां क्या कैपिटल विड्रॉन, ओके ये पॉइंट था। तो पहले करते हैं इसे नोट, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21।